Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. हेलो, कौन? दिया बोल रही हूँ. तुझको एक गुड न्यूज़ देना था. ओ, मैंने शादी कर ली दीदी. क्या करूँ बोलो. सोचा था तुम मेरा साथ दोगी. मैं तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई. असल में वो बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए तुम समझ पा रही हो ना. और क्या बोलूँ तुमको. सॉरी दीदी. तुम चुप क्यों हो दीदी? क्या हुआ? तुमको तकलीफ हो रही है क्या? अब अफसोस करके क्या होगा? क्या होगा अब अफसोस करके? जब तुम्हें सावधानी बरतने के लिए कहा तो तुमने मेरी बात को अनसुनी कर दी. अब सब गलती मेरी है. और नहीं तो क्या? दीदी, अपना ख्याल तो तुमसे रखा नहीं जाता. कब से कब जिसके आने के लिए मैं इतने दिन से उसका ख्याल तो तुम रख सकती थी ना. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. डिस्गस्टिंग. तू डॉक्टर होके चाहे जितना भी सजेशन दे, बट आई एम श्योर कि फिर से अगर वो कंसीव करे तो यही घटना दोहराई जाएगी. समरेश, लोगों के जिंदगी में दुर्घटना घटते रहती है और उसे मान लेना. अरे तू बंद कर अपनी ये बकवास. उसकी बहन को देख. दिया इससे कहीं ज्यादा सिंसियर है. अरे बोलो ना. रुको. तुम भी ना. उफ माय गॉड. मैं कह रहा हूँ. अरे हो गया दो ना. अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता. नहीं 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 होगा. तुम्हारे बगैर ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता. अरे दिया, इतनी रात हो गई, घर नहीं जाना है? हाँ दीदी, अभी जाती हूँ. कब से तो कह रही हो जाऊंगी. 2 घंटे हो चुके, अभी तक नहीं जा सकी तुम. छी दीदी, तुम ऐसा बोल रही हो? और कितना शक करोगी तुम? दीदी, मुझे क्या लगता है पता है, इसको कुछ कहने से पहले थोड़ा समझ के बोलना चाहिए. मैं सब समझ के इसलिए. अरे तुम बहुत बदमाश हो गई हो दिया. ठीक है, चलो छोड़ता हूँ. गुड नाइट दिया. मेरी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो.
मैं जानती, मैं यूजलेस हूं और मुझे यूजलेस बनाने वाले तुम हो। दिया आज तुम्हारे लिए खिलता गुलाब है और मैं एक पत्थर हूं तुम्हारे लिए। क्यों, क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा बोला? क्यों? गैर जिम्मेदार क्या सिर्फ मैं थी? छोड़ो, विधि, विधि, इट वॉज एन एक्सीडेंट, बुलशिट। जो होने वाला है उसे संभाल नहीं पाओगी दिया। किसी आदमी की क्षमता नहीं है कि दिया को वश में करे, समझे? ये बात है। अच्छा दिया, तुमको तो पता है तुम्हारी दीदी कितनी स्ट्रिक्ट है। वो जिसे दिल से चाहती है कभी उसे दूर नहीं होने देगी। अगर तुम राजी हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। Really? क्या हुआ, कुछ बोलो। Really? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? बिथिका, बिथिका, और नहीं, मैंने बहुत बेइज्जती सही। अब आखिर में जाके दिया मेरे घर संसार की भागीदार बनेगी? क्या ये मेरे पति है, एक सेल्फिश आदमी जिन्होंने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं, enough is enough, आज ही। खबर तो तुमने सुना ही होगा। क्या हुआ है तुम्हें बिथिका? तुम ऐसे मेरा हाथ झटक कर भाग क्यों आई? क्या ये खबर सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे साथ मुझे और नहीं रहना है। क्या हुआ, खबर सुनते ही तुमने फोन काट दिया? तेरा स्वार्थ पूरा हुआ। अब मुझे जाना पड़ेगा। तुम दोनों खुश रहना। सॉरी दीदी, आपको बिना बताए मैंने और दिया ने शादी कर ली। एक्चुअली मैं उसके बिना समरिश्ता ना होते तो शादी हो ही नहीं पाती। बहुत अच्छे इंसान है वो। तुम दोनों खुश रहना। दीदी आज हम चलते हैं। चलती हूँ दीदी। चलते हैं। चलो। अपनी मरी हुई बहन दिशा को देखा और इसलिए जब दिया ने कहा
कि वो अरिंदम से प्यार करती है और अरिंदम को छोड़कर किसी से शादी नहीं करेगी तो मेरे आंखों के सामने दिशा का चेहरा उभर आया। पापा मम्मी अगर उनकी बातें मान लेते तो दिशा शायद क्या तुम अभी मुझे गलत समझ रही हो गीतिका? अब जो होने वाला है उसे संभाल नहीं पाओगी दिया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दिया को वश में कर सके, समझे? दिया तुमको तो पता है तुम्हारी दीदी कितनी स्ट्रिक्ट है। वो जिसे दिल से चाहती है उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम राजी हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रियली? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? खुद से भी ज्यादा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। हाँ तू एक काम कर, तू कल मेरे घर पे आ जा। हाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अतनु, प्लीज। मतलब मैं इन सबसे मुक्ति चाहता हूं। तू आ, छोड़ रहा हूं। हाँ बैठ। भाभी, भाभी कौन? ओ अतनु। हाँ हाँ भाभी, एक अच्छी खबर दूंगा इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। क्या रे सोमू, खबर जब तू ही देगा तय कर लिया था तो खामखा मुझे क्यों बुलाया? ये तूने ठीक नहीं किया। बहुत दिनों से गुड न्यूज देना उन्होंने बंद कर दिया। जाने दो, तुम क्या कहने आए हो वो बताओ। नहीं भाभी, मुझे लगता है ये बताने का अधिकार एकमात्र समरेश का ही है। क्या रे बोल। मैं जानता हूं बिथी कि तुमको मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन बिथी इन सब के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और यह भी मैं जानता हूं कि मेरे प्रति जो तुम्हारे मन में संदेह है ये भी स्वाभाविक ही है, लेकिन इसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आज इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने अतनु को बुलाया है बिथी। मैंने भी एक फैसला लिया है बिथी, और वो फैसला है कि तुम मेरे एक आंख से इस दुनिया को देखोगी।